अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बना रहे हैं प्याज वाली तली हुई मिर्चें। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज। ये मैंने फाइनली कुछ स्लाइस कर लिए, बारीक बारीक बिल्कुल। हल्का सा बस प्याज को सौते करेंगे हम। अब हम इसके अंदर डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें। ये मैंने ली है 10 से 15, इनको मोटा मोटा काट लिया है। ये चली जाएंगी, ये बीज भी हम डाल देंगे। यहाँ मैंने ली है 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ। इनको मोटा मोटा दरदरा चॉपर में कर लिया है। ये चला जाएगा। और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये इकट्ठी आप बना के रख लें फ्रिज में, आराम से 10-15 दिन ये चल जाती हैं। ये हमने पानी ऐड कर दिया और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे कैरी। कैरी का आजकल सीजन है। एक हमने बस स्लाइस लिया है, उसको मोटा मोटा इस तरह काट लिया है। तो बहुत मज़ेदार ये खट्टी खट्टी सी मिर्चें बनेंगी। बस अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे ताकि दोनों चीज़ें ये गल जाएं। तो चलें इसको ढक देते हैं हल्की आंच पे और 10 से 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी झटपट से ये मिर्चें हैं। तो देखिए पानी मिर्चों का खुश्क हो गया है 10 से 15 मिनट में। अब हमने इसकी आंच को तेज़ कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे तेज़ आँच पर और फिर हमारी चटपटी खट्टी सी मिर्चें रेडी हैं। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, हमारी मिर्चें रेडी हैं। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी तली हुई खट्टी मिर्चों की रेसिपी। तो देखिए ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।